हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ रोज की तरह गर्मा गर्म चाय के साथ और टेक इंडस्ट्री की गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का GT 60 जो है, इसकी लॉन्चिंग डेट कन्फर्म हो चुकी है। ये 22 मई को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसमें जो है 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके साथ इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। ये जो है 5500 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च होगा, जो कि 100 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो देखते हैं ये किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। बाकी ये कुछ जानकारी से ये पता चला है कि ये प्लास्टिक बॉडी में भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं ये किस तरीके का परफॉर्मेंस के साथ आता है और किस लेवल की प्राइसिंग वीवो जो सॉरी किस लेवल की प्राइसिंग जो है रियलमी करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो टेक्नो की तरफ से आ रही है। टेक्नो का Canon 30 सीरीज जो है जल्दी लॉन्च होने वाली है, ऐसी सामने आ रही है। इसी के साथ इसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो है 100 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादा जानकारी इसकी सामने नहीं आई है। तो देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या होने वाली है और किस प्राइस रेंज में कब तक ये लॉन्च होगा। नेक्स्ट न्यूज जो है वो पोको की तरफ से आ रही है। पोको का F6 जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाला था, इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। ये इंडिया में 23 मई को लॉन्च होने वाला है। ये 6.6 इंच की OLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है और 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ये लॉन्च होगा। इसमें जो है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर लॉन्च देखने को मिलने वाला है, जो कि इंडिया अभी तक का फर्स्ट ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके साथ इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। देखते हैं इसका प्राइस रेंज क्या होने वाला है। बाकी क्या आप इस फोन का इंतजार कर रहे थे, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देख लीजिए वीवो की तरफ से आ रही है। वीवो की Watch 3 ECG वर्जन जो है ये चाइना में लॉन्च हो चुका है। ये 30 सेकेंड में ECG जो है वो चेक कर सकने में कैपेबल है, और इसी के साथ इसमें जो वीवो का स्मार्ट असिस्टेंट और ई का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ वीवो ने चाइना के अंदर में अपनी X100 सीरीज जो है उसको भी लॉन्च किया था, जिसमें 3 डिवाइसेस होने वाले हैं। फर्स्ट डिवाइस जो वीवो X100X है, जिसकी प्राइस जो है 3999 युआन रखी गई है। सेकेंड डिवाइस वीवो X100S Pro है, जिसकी प्राइस जो है 4999 युआन रखी गई है। वहीं पर वीवो X100 Ultra जो है इसकी प्राइस 6499 रुपीज सॉरी 99 युआन जो है वो चाइना के अंदर रखी गई है। बाकी देखते हैं कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये जो सीरीज है इंडिया के अंदर लॉन्च होगी। देख लीजिए वो गूगल की तरफ से आ रही है। Google Pixel 9 सीरीज जो है जल्दी देखने को मिल सकती है, ऐसी सामने आ रही है। इसमें 3 डिवाइस होने वाला है, जिसमें पहला जो है Pixel 9 जो कि 6.2 इंच की डिस्प्ले के साथ आ सकता है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। इसमें 12 GB रैम और 128 GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। इसके साथ जो सेकंड डिवाइस है वो Pixel 9 Pro देखने को मिलेगा, जो कि 6.3 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली डिस्प्ले में देखने के साथ दिखेगा, और इसमें 16 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसका जो थर्ड और लास्ट डिवाइस जो है वो Pixel 9 Pro XL देखने को मिल सकने वाला है। ये 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। इसमें 16 GB रैम और 128 GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। तो क्या आप Pixel 9 का इंतजार कर रहे थे, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज जो है वो एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल का जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उनमें iOS 17.5 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आपके स्मार्टफोन में 7.5 का iOS का अपडेट आया कि नहीं आया, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।